घाव को यदि साफ करना हो तो कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। कोमल हाथों से ही घाव को साफ करना होता है। बस इसी प्रकार किसी के जीवन में हम सुधार करना चाहते हैं, उसकी भूलों को सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कोमल शब्दों से ही काम लेना होगा। कठोर व कटु शब्द तो घाव पर नमक छिड़कने का ही काम करते हैं, जबकि मीठे मधुर व कोमल शब्द किसी के घाव को भरने का ही काम करते हैं। बोलने का काम पड़े तो बोले, किंतु शब्द प्रयोग कठोर न हो जाए उसका पूरा पूरा ध्यान रखे। रूप व गुणों का कोई एकांत संबंध नहीं है। कस्तूरी काजल केश व मिट्टी काली होती है, फिर भी लाभकारी होती है। मेघ काले होते हैं किंतु हमेशा मीठा जल बरसाते हैं। नमक सफ़ेद होता है किंतु खारा होता है। अतः किसी स्त्री या पुरुष के गौर वर्ण को देखकर ही आकर्षित नहीं हो जाना चाहिए। केवल रूप के आधार पर संबंध का प्रारंभ तो हो जाता है, परंतु वह संबंध चिरंजीवी नहीं होता है। अतः संबंध की पसंदगी में रूप का नहीं किंतु गुणों को प्रधानता देनी चाहिए। हम अपने जीवन में गुणों को अपनाएं, अपनी वाणी को मधुर रखें, मीठे शब्द का प्रयोग करते हुए स्वयं प्रसन्न रहे और औरों को भी खुशियां बांटे। गुणी बन गुण को लेना है हमें, दुर्गुण से क्या मतलब। कुएं से नीर पीना है हमें, कचरे से क्या मतलब। हम तो ग्राहक है चंदन के, भले ही सांप लिपटे हो। हम तो ग्राहक है चंदन के, भले ही सांप लिपटे हो। मुग्ध है पुष्प सुरभि पर हमें, कांटों से क्या मतलब। छाछ खट्टी भले ही हो, हम तो मक्खन के भूखे हैं। इक्षु रस के पिपासु हैं, हमें छिलकों से क्या मतलब। नखल से काम है बिल्कुल, हमें तो तेल लेना है। नखल से काम है बिल्कुल, हमें तो तेल लेना है। आम खाने के इच्छुक है, हमें गुठली से क्या मतलब। रूप कोयल का काला है, फिर भी मिठास ले लेंगे। रूप कोयल का काला है, फिर भी मिठास ले लेंगे। काम तकिए की रूस है, हमें खोली से क्या मतलब। हम तो ग्राहक हैं मणि के, सांप जहरी भले ही हो। हम तो ग्राहक हैं मणि के, सांप जहरी भले ही हो। गोल मोती के गर्जी है, सीप बाकी से क्या मतलब। मिले जिस कदर गुण हमें, हम तो तैयार हैं लेने। चाहे किसी मजहब का हो, हमें मजहब से क्या मतलब। ऐब बिन दुनिया में कोई नजर नहीं आता, ऐब बिन दुनिया में कोई नजर नहीं आता। सभी अंदर से नंगे हैं, कहे नयन हमको क्या मतलब। कहे नयन हमको क्या मतलब। जय आनंद।